गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम मैथ में पढ़ेंगे अक्षर दाना कैसे पाया जाता है, ये आपको आज हम पढ़ाएंगे। हाउ प्रश्न है, हाउ मेनी लैप cross out come and write. ठीक, अब ये जो है फाइव पांच माने ये क्या है, पांच माननीय पूरा है, वो है अब इसमें जो है आई में एक घटाना है, कितना बचेगा है ना। तो हमने आई में इसमें एक घटाना है, तो आई में माइनस करेंगे कितना बचेगा, फोर बचेगा, ठीक है ना। इसे तो वन टू थ्री फोर, फाइव में कितना बचेगा, फोर लिखिए। ठीक, इस तरह से मान लीजिए सिक्स आम है, कितने आम है प्यारे बच्चों, सिक्स आम है, सिक्स मैंगो है। अब इसमें जो है सिक्स में टू बताना है आपको, ठीक, कितना बचेगा। तो हमने सिक्स कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स में टू घटाया तो वन टू पर कितने बचा, वन टू थ्री फोर, तब बचा फोर है ना। इसी तरह एट आपको दिया है, मान लीजिए ये है आपका एट है, एट में सिक्स बताना है, एट माइनस सिक्स कैलकुल कितना आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट में सिक्स का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स घटा देंगे, टू सिक्स घटा देंगे कितना बचेगा, टू बचेगा है ना। इस प्रकार आप चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं और तरह भी लाइन खींच के भी बता सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, काउंट एंड सब्ट्रैक्ट, काउंट
कितना हो गया ठीक इसी तरह दे दिया इसमें भी मान लीजिए वन टू थ्री फोर है ठीक। अब इसमें जो है टू घटाना है कितना वन टू थ्री फोर, फोर में टू घटाएंगे कितना बचेगा प्यारे बच्चों ठीक। इस तरह मानिए ट्वेल्व जो है बॉल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब इसमें मान लीजिए ट्वेल्व में सेवन आपको घटाना है कितना बचेगा फाइव। वैसे सेवन आप काट दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आप काट दिया फोर ही होगा सिक्स सेवन ये काट दिया ठीक। कितना बचा वन टू थ्री फोर फाइव हमने ट्वेल्व में सेवन काट दिया कितना बचा प्यारे बच्चों फाइव है ना। इस प्रकार से आप जो है चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं और कभी भी बता सकते हैं ठीक। अब उठाएंगे पेज नंबर 21 by counting back ठीक। पहले में है टू में इस तरह थ्री फोर फाइव माइनस वन ये आपको दे दिया गया तो आप चाहे उस तरह घटा लीजिए टू है टू में वन कर दे तो वन बचेगा ऐसे भी कर सकते हैं या थ्री में है थ्री में एक चले एक वन फिंगर चले तो टू फिंगर बचेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप तो नाइन से भी फोर भी कर सकते हैं वन थ्री फोर फोर में वन चला जाएगा क्या बचेगा कितना बचेगा थ्री बचेगा है ना। इधर फाइव में वन टू थ्री फोर फाइव फाइव में वन जाएगा वन टू थ्री फोर बचेगा कितना बचेगा प्यारे बच्चों फोर बचेगा है ना। इस तरह से आप बहुत सरल है इसको आप करें टेन से कितना करें दूसरा है जिसे आपको कर दिया टेन टेन माइनस वन है ना। ऐसे बहुत से हैं आपके साइड में पेज नंबर 21 में आप देखेंगे 11 है
11 में माइनस 1 है, इस तरह यार जो है 10 में 1 है कितने बचेगा 9, 11 में 1 10, 31 में 13 में 1 10 12 है ना, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। पूरे प्रकार के दूसरे में आपने दिया है ना 7 फिर 2 घटाइए है ना, 8 में कुछ भी आपको दे दिया जाए 9 में 2 कितना आपको बचेगा है ना, इस तरह के आपके एक्सरसाइज में आपको करना है ना। ये करेंगे है ना, 7 है, 7 एंड 3 1 2 3 4 5 6 7 आप 7 में 2 जाना है बचे 1 2 क्या दिया 1 2 3 4 5 आप यहाँ 5 लिखेंगे है ना, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 में 2 गए 1 2 काट दिया 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर आ जाएगा है ना, इस प्रकार से हमको घटाना है प्यारे बच्चों है ना। 9 है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में कितने घटाएंगे 2 1 2 निकाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे क्या जाएगा प्यारे बच्चों 7 आ जाएगा, इस तरह आप निकालेंगे है ना, बहुत सरल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 में कितने घटाना है बच्चों 1 2 3 काट दिया फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 ये 5 आ जाएगा है ना। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 2 3 4 5 6 6 आ जाएगा है ना। इस तरह 10 है, 10 में आप क्या है कुछ रूप से घटाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 3 घटाएं 1 2 3 काट दिया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बहुत सरल है, तो लाइन के माध्यम से घटा सकते हैं है ना। ये आपको करना था, अब आप करेंगे इसी तरह आपके इसमें भी दिया है पेज नंबर 22 में है बिल्कुल इसी तरह है, 22 में भी आपको इस तरह घटाना है, 5 में 4 घटाना है ना, उसी तरह आप घटाएंगे 1 2 3 4 5 5 में 4 1 2 3 4 गए काट दिया कितना बचेगा बना जाएगा, बहुत सरल है। 6 माइनस 4 है तो आप इसमें कैसे आएगा 1 2 3 4 5 6 4 जाएगा 1 2 3 4 2 आएगा 1 2 3 1 2 गिन लेंगे है ना, इस तरह से आपको ये बहुत सरल लगेगा है ना, इस तरह आप करना है। कितना बचेगा 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 4 निकालना है 1 2 3 4 1 2 3 4 ही बचेगा, इस तरह आपको ये करना है ना। विभिन्न प्रकार के आपको दिए है ना, अब इसे तीसरे में दिया है 7 माइनस 6 बी में दिया है 8 माइनस 6 कितना होगा प्यारे बच्चों 9 माइनस 6
कि कितना होगा सम घटाना पड़ेंगे है ना। इसमें कितना होगा इसमें आपको बताना है, तो हमने आपको बताया था सेवन बेसिस है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन में आपको कितना घटाना है प्यारे बच्चों 6 घटाना है 1 2 3 4 5 6 वन बचेगा 8 बेसिस है 2 बचेगा 9 बेसिस 3 बचेगा है ना 10 में 9 1 होगा है ना 11 में 9 2 12 में 9 3 इस तरह के नंबर्स की भी घटा सकते हैं और बहुत सारे हैं है ना। अभी आप इस तरह से खड़े खड़े भी माइनस दिया है आपके पेज नंबर 22 में ही ए में दिया है 8 - 3 बी में दिया है प्यारे बच्चों 7 - 6 सी में दिया है 9 - 7 डी में दिया है 8 में 3 है उसी तरह आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये निकाल दिया 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना 7 है इसको भी इसी तरह कर लें 1 2 3 4 5 6 7 7 को कितने घटाना है बच्चों 6 1 2 3 4 5 6 घटा दिया और बचेगा 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में कितना घटाना है बच्चों 7 1 2 3 4 5 6 7 कितने बचेगा 2 बचेगा है ना। इस तरह आपकी गाइड में आ गया गाइड है ना नंबर 5 में हो गया 1 और ये 1 की हो जाएगा 8 में से कितना होगा है ना 2 ये 1 हो जाएगा है ना। ऐसे भी कर लिया 9 से पूरा लाइन खींच के 15 को निकाल देंगे इसमें जो आएगा वही से बचेगा है ना। ये आपको करेंगे अब हम चलेंगे पेज नंबर 23 से आगे चलते जाए प्यारे बच्चों बुक में है सारा हम आपको बता दे रहे हैं है ना। नंबर अब हम जीरो में बात करेंगे शून्य में है ना। आप मान लीजिए 3 नंबर नंबर प्लस 0 बराबर सेम नंबर कहता है इसी नंबर में अगर 0 आ जाते हैं तो वही सेम नंबर आ जाता है वही नंबर आ जाता है ऐसे जैसे आपने 1 + 0 किया तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 1 ही आएगा है ना। बी में है 0 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा है ना। 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आएगा इस तरह 2 में है ना 4 + 0 बराबर 4 बी में क्या आएगा
जीरो प्लस फोर तो फोर सी भी क्या आएगा आई प्लस जीरो टू हाई है ना। इस तरह थ्री में क्या आएगा सिक्स प्लस जीरो सिक्स सेवन प्लस जीरो सेवन जीरो प्लस एट एट। कहने का भाव ये है बच्चों अगर कोई भी अंक जीरो में जुड़ा तो वो नंबर उसका परिणाम उसका रिजल्ट जीरो को सेम नंबर आ जाता है। हमने फोर में जीरो जुड़ा तो कितना आएगा फोर आएगा। फाइव में जीरो जुड़ा फाइव ही होगा। फाइव में फिर जीरो जुड़ा तो क्या आएगा सेम नंबर आ जाएगा। इसी में आप अगर जीरो जोड़ते हैं नंबर में तो उसका नंबर जो है वही सेम नंबर होता है ना। इस तरह आप जो है जोड़ने कर लेंगे ना। अगला देखिए इसी में आप जो है नंबर नंबर माइनस जीरो तो सेम नंबर किसी नंबर में अगर जीरो हटाते हैं तो सेम नंबर आता है ना। या नंबर में प्लस करते हैं तो भी जीरो आता है और माइनस करते हैं तो जीरो आता है ना। प्लस करते हैं तो भी वही सेम नंबर आएगा और अगर आप माइनस करेंगे तो भी सेम नंबर आता है। जैसे जैसे आपके ये तीन मछली हैं इतनी मछली हैं थ्री पीस है इतने पीस है प्यारे बच्चों ये थ्री पीस है अब ये थ्री पीस में एक पीस चला गया तो टू बचेगा है ना। अब तीनों को समझना है थ्री पीस इसमें अगर कोई भी माइनस जीरो नहीं आ रही है तो कितने होंगे है ना। मान लीजिए ये इसमें थ्री पीस है और इसमें जो है एक पीस अगर निकाल दिया जाएगा तो कितने पीस होंगे माइनस एक भी पीस नहीं निकाले जीरो नहीं निकालेंगे तो कितने पीस होंगे है ना। तो अगर हमने इसमें एक पीस निकाल दिया तो कितने मछली होंगी प्यारे बच्चों
ये हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं क्या बच्चों, थ्री पीस है, थ्री पीस है, थ्री पीस, तीन मछली है प्यारे बच्चों, ठीक। अब तीन में मानी एक मछलियां निकल गई थ्री माइनस वन, तो कितने बचेंगे, यहाँ टू होगा, लेकिन तीन में अगर थ्री माइनस जीरो है तो इसमें थ्री ही बचेगा, है ना, अर्थात जीरो किसी भी नंबर में घटाया जाएगा तो वो सेम नंबर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो है कोई भी जो है चेंज नहीं करेगा, है ना, अगर जो है प्लस होगा तो उसमें जो है जीरो अगर प्लस होगा तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। जैसे आपको दिया है वन माइनस जीरो करना है, पेज नंबर 24 में देखेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया है कि नंबर में अगर माइनस जोड़े घटाएंगे या जोड़ेंगे तो सेम नंबर आता है, क्या आता है, सेम नंबर आता है, नंबर में नंबर माइनस जीरो इनटू सेम नंबर वही नंबर आ जाएगा जो आपका पहले है, ठीक। ये आपको सूत्र हमने बताया, नंबर में अगर घटाएंगे या प्लस करेंगे तो सेम नंबर आता है, वन माइनस जीरो वन आएगा, है ना, फोर माइनस जीरो आएगा, फोर ही आएगा, सेम नंबर आया, सिक्स माइनस सिक्स आएगा, कोई भी माइनस करो चाहे प्लस करो चाहे माइनस उसमें सेम नंबर आ जाता है, क्या आता है, सेम नंबर, ठीक प्यारे बच्चों, उसमें सेम नंबर आ जाता है, है ना। अब आप जो है मत देखो, ठीक, या का जरूर डालेंगे प्यारे बच्चों, होमवर्क में पहले आप एक ऐसे करेंगे, आई माइनस फोर ये है सिक्स माइनस फोर
वेदन को भी करना है। ये इसमें भी आपको माइनस करना है प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल सरल सीधे आपको दे रहे हैं, आप पहले ध्यान देखें समझे के बहुत सारा लगेंगे, जब आपको आने लगेंगे फिर आपको बड़े बड़े बताएंगे, है ना, छोटे छोटे से आपको आपके बुक से पेज नंबर 22 में है वो आप देखेंगे, है ना, के, है ना, एकदम ये वाले भी बता दें, माइनस वाले, माइनस में आपको बताया कि नंबर में जीरो जोड़ेंगे तो सेम नंबर आता है 1 + 0, इसमें आपको वन में जीरो पर वन भी आएगा, है ना, बस ये आपका जो है 4 + 0, ये आपको करना है, ठीक। ए बी और सी, ये आपको इस प्रकार से होमवर्क जो है आपको करना है, ये डब्ल्यू है, इसको आप कैसे कराएंगे, है ना, फिर उसके सीधे इसको घर में देखेंगे, अब बहुत सरल लगेगा। जय हिंद, जय भारत।